हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली गई है आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर द्वारा LDC ड्राइवर स्टेनो MTS फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए। इसके लिए आप कर पाएंगे अप्लाई ऑफलाइन, तो जानते हैं क्या है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट TFRI की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी रिक्रूटमेंट है वो वेरियस पोस्ट के लिए है। सबसे पहले आपकी इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करें तो आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करके सेंड करना होगा 9/8/2019 तक। और इसके अलावा जो अदर्स यहाँ पर आपको स्टेट दिए गए हैं, इनके लिए आपको 23/8/2019 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल की। तो सबसे पहली पोस्ट है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 4 रहने वाली है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी या फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। स्टेनोग्राफर के लिए 12th क्लास पास होना आपका अनिवार्य है। 2 पोस्ट आपकी यहाँ पर रखी गई हैं, स्टेनो का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स LDC की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी 10 पोस्ट रखी गई हैं, जहाँ पर आपकी 12वीं पास आपके लिए रखा गया है और टाइपिंग नॉलेज आपके पास होनी चाहिए टाइपराइटर पर या फिर कंप्यूटर पर। टेक्नीशियन की वैकेंसी भी निकाली गई है, तो 3 पोस्ट आपकी यहाँ रहेंगी। तो आपके पास 10th प्लस ITI होना चाहिए इलेक्ट्रिकल प्लम्बर या कारपेंटर में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइवर पोस्ट है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 10वीं पास होना आपका ज़रूरी है, आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास जो है मोटर कार चलाने का 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपके पास 10th प्लस फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। MTS के लिए आपके पास 10th आपने पास कर रखी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेवेंट वर्क में, तो आपको यहां पर एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देखने को मिल जाएगी। पर अगर आप 10वीं पास भी हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एज लिमिट की बात करें तो ये आपकी काउंट होगी 9/8/2019 को। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 से 30 साल आपकी एज रखी गई है। अगर बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन की, तो 18 से 30 साल एज आपकी रखी गई है। बाकी की जो भी पोस्ट हैं आपकी स्टेनोग्राफर, चाहे है आपकी LDC, ड्राइवर, फॉरेस्ट गार्ड या फिर MTS, इसके लिए 18 से 27 साल आपकी एज रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो भी OBC कैंडिडेट हैं या फिर जो भी कैंडिडेट हैं जो कि रिजर्व कैंडिडेट हैं, उनके लिए सेंटर लिस्ट में उनका नाम होना ज़रूरी है। इसके लिए आप सेंटर सर्टिफिकेट जो है अपना लगाकर सेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस सिर्फ मेल कैंडिडेट को यहां पर देनी होगी, जो कि जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट में आते हैं, उनको ₹500 का डिमांड ड्राफ्ट यहां पर बनवाना होगा। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है उसकी डिटेल आपको नीचे दी गई लाइन में दी गई है। इसके अलावा यदि आप SC कैंडिडेट हैं, ST हैं, दिव्यांग हैं, PWD हैं, एक्स सर्विसमैन हैं या फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी की, तो आपको कोई भी फीस भरने की आवश्यकता यहां पर नहीं रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर सेंटर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आपका जबलपुर MP ही रहेगा, तो ये आप डिटेल यहां पर आपको दी गई है। इंडियन नेशनल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन आपको दी गई है, साथ में यहां पर रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होने वाला है उसकी डिटेल आपको दी गई है। तो 100 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, तो 400 नंबर का पेपर हो गया और एक गलत आंसर पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहां पर पोस्ट वाइज आपको ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम दिया गया है। यहां पर फिर नीचे आपको देखने को मिलेगा मिनिमम पासिंग क्वालिफाइंग मार्क्स, तो उसकी डिटेल आपको यहां पर दी गई है। इसके बाद जो डेट एंड टाइम है वो आपको बाद में जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका स्किल या प्रोफेंसी टेस्ट होगा, उसकी डिटेल भी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए जो स्किल टेस्ट है उसमें वॉकिंग होगी आपकी, जो आपको चलना होगा 25 किलोमीटर 4 घंटे में। हाइट एंड चेस्ट की डिटेल भी दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहां पर अदर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, तो आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपकी डिटेल जो भी है वो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आपको ये डिटेल जो है फिल करनी है अपने हाथों से। और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको सेंड कर देना है
दिए गए एड्रेस पे, उसके बाद ही फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर फॉर्म है वो कंप्लीट माना जाएगा। जो भी आगे की जानकारी होगी फ्रेंड्स वो आपकी इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वैकेंसी डिटेल में आपको यहाँ पर अपडेट होती रहेंगी। तो आप लगातार इस वेबसाइट पर टच में रहिए, बने रहिए, यहाँ पर देखते रहिए और कोई भी नोटिफिकेशन या नोटिस कोई आता है तो हम तो इसके बारे में अपडेट आपको वेबसाइट पर हमारी जो जॉब रास्ता की है उस पर आपको करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इसकी सभी डिटेल हमने आपको अवेलेबल करा दी है, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोटिफिकेशन को आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और jobrasta.com पर विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।